चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रेसिपी बांगड़ा रवा फ्राई। सबसे पहले हमें ले लेना है 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर। हाँ दोस्तों लो 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, इसमें तड़कता झड़कता तीखा बनाएगा। उसके बाद ले लेना है 2 टेबलस्पून, जी हाँ, धनिया पाउडर। हमने 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ले लिया है। एंड देन हम ले लेंगे छोटा चम्मच अजवाइन, जी चलिए डाल दिया हमने एक छोटा चम्मच अजवाइन। उसके बाद छोटा सा चम्मच हल्का सा बारीक सा एकदम बढ़िया सा, हाँ वो है हल्दी पाउडर। फिर हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर, चलिए हमने गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया है। अब हमें स्वाद अनुसार नमक शमक, यस बट दोस्तों बढ़िया सा स्वाद अनुसार मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। एंड इसे हमें कर लेना है मिक्स बिफोर हमें इसका गीला इंग्रेडिएंट ऐड करने से पहले। चलिए मिक्स हो चुका है, अब हम डालेंगे बढ़िया सा आधा कप के बराबर बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, हाँ दोस्तों। उसके बाद हम डाल देंगे एक अंडा जिसे हम फेंट के इसमें डाल देते हैं। चलिए हो गया है अंडा डाल के, अब इसे अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। सभी इंग्रेडिएंट को बारीकी से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद एज यूजुअल 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट मतलब लहसुन का पेस्ट डाल के इसे अच्छी तरीके से फिर से मिक्स कर लीजिए। चलिए लहसुन का पेस्ट दे दिए, थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं, बढ़िया है एकदम स्वाद अनुसार नमक वमक सब बढ़िया संतुलन है। उसके बाद हमने आधा कप के बराबर सोया सॉस, हाँ दोस्तों अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है, नींबू रस नहीं है, आप सोया सॉस से भी काम चला सकते हैं, तो मैंने सोया सॉस डाल दिया है। अब इसे फिर से हमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। दोस्तों मेरा मिक्सअप हो चुका है, अब हम डाल देंगे एक बढ़िया सा कटा हुआ बारीक बारीक स्लाइसेस से मोटा मोटा स्लाइसेस से कटा हुआ हमारा बांगड़ा मच्छी। दोस्तों बांगड़ा मच्छी डाल देते हैं इसके अंदर एंड इसे हमें इस इंग्रेडिएंट के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है बढ़िया तरीके से। चलिए दोस्तों एकदम हर जगह से हर कण से इसे मिक्सअप कर लेते हैं, बहुत ही पेशेंसली आप इसे मिक्सअप कीजिए दोस्तों। ज़्यादा निचोड़ना नहीं है, ज़्यादा पिचोड़ना नहीं है, बस इसे हल्की तरीके से इधर उधर हिला के इसे हर तरीके से हर प्रकार से हर तरफ से इसे ये जो मसाला है इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। चलिए बढ़िया सा दोस्तों बहुत ही लजीजदार और स्वादिष्ट होने वाला है आज का बांगड़ा रवा फ्राई। चलिए अब लगभग हमारा मिक्सअप हो चुका है, जी हाँ। चलिए अब इसे रख देंगे 25 से 30 मिनट मैरिनेशन के लिए, हाँ दोस्तों 25 से 30 मिनट इसे मैरिनेट के लिए रख देंगे और ये हो गया हमारा मैरिनेशन। अब हम ले लेंगे लगभग 1 कप के बराबर सूजी रवा, दोस्तों हमने सूजी रवा ले लिया 1 कप के बराबर। अब इसे करना है हमें इस जो मैरिनेटेड फिश, ये जो मैरिनेटेड बांगड़ा है, इसे हमें इस सूजी रवा से कोटिंग कर लेना है बहुत ही अच्छी तरीके से हर तरफ से। चलिए दोस्तों हमने हर तरफ से इसे अच्छी तरीके से हमने इस प्रकार कोट कर लिया है और ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार फ्राई के लिए। देखिए दोस्तों एकदम बढ़िया सा बांगड़ा रवा कोटिंग करके हो चुका है, अब इसे हमें बढ़ना है फ्राई की तरफ। चलिए बढ़ते, हमें ले लेना है इनफ तेल जिस पे हमें एकदम गरम करके इसे डुबकी तेल में मतलब डीप तेल में हमें फ्राई करना है। दोस्तों देखिए इनफ तेल डालने के बाद हमने अच्छी तरीके से हल्की तरीके से बांगड़ा को डाल दिया है फ्राई के लिए। दोस्तों मेक श्योर कि हर तरफ इसे इक्वली फ्राई करना है दोस्तों, इसे तब तक फ्राई करना है जब तक एक गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन ना हो जाए। देखिए बढ़िया सा तरीके से हर तरीके से, देखिए पलटी कर लीजिए, एक साइड फ्राई होने के बाद दूसरे साइड भी पलटी कर दीजिए दोस्तों। इसे फ्राई होने के लिए लगभग 5 मिनट लगता है दोस्तों। चलिए हमने 5 मिनट से पहले फ्राई कर लिया है,
एंड थोड़ा हर तरीके से दोस्तों, हर तरीके, कोई भी कर्न, कोई भी जगह छूटना नहीं चाहिए, अदरवाइज आपका टेस्ट समान मात्रा से महसूस नहीं होगा। चलिए, हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, चारों तरफ से फ्राई हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है एंड इवन क्रिस्पी भी हो चुका है। अब इसे हमें उठा लेना है। दोस्तों देखिए, लगभग 2 से 5 मिनट के अंदर ये फ्राई हो जाता है। चलिए, ये इस कदर इस तरीके से हमारा फ्राई हो चुका है। चलिए उठा लेते हैं हमारा तेल से एक एक करके दोस्तों, और ये हमारा हो गया बांगड़ा रवा फ्राई। चलिए, हमारा सभी के सभी फ्राई आइटम्स, मतलब बांगड़ा हमने फ्राई करके उठा लिया है। अब इसे करना है सर्व। हाँ दोस्तों, इसे गर्मा गर्म परोसिए टमाटर केचप के साथ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना कीजिए। ओम साईं राम, जय श्री गणेश।